क्वालिटेटिव अप्रोच कैप्चरिंग प्रोसेसिस वॉट इज क्वालिटेटिव रिसर्च इसशली इंटरेस्टेड इन इज कैप्चरिंग ऑफ द प्रोसेसिस दैट मीन्स इट बिलीव दैट वेन यू गो इन अ कॉन्टेक्सट वेन यू गो टू स्टडी अ कल्चर इट इज इन अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स चीजें टाइम के साथ एक टाइम के फ्लक्स के साथ बदलती रहती और यही वजह है कि कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती So, the point is that the qualitative researchers keep in mind is that when they are going into the field, they are taking out only a segment of reality and they cannot possibly capture all reality at the same time. On the other hand, they try to find out what is the nature of the processes, yeah, what is the nature of the flux of change that is going on in the culture or of or within which education is grounded so they are very interested in finding out how things are happening and why they are happening and how do people actually perceive them as they live their lives within a given culture so they are interested in the lived realities of a given culture now

they copy down anything in the field notes that they think is important so they allow in um, a place for uh, any other observations that they had not before planned and then the other tool is the participant himself or herself and the relationships between the uh, researcher and the participants are given a lot of importance it is given a lot of significance because it is believed that the relationship between the researcher and the participant will have an impact on the, on the results that you get. so unless this relationship is based on a relationship of trust, you will not get the results that are reliable. so unlike quantitative research, it is very sensitive to the uniqueness of context. Ye hai, quantitative research ignore karna इट वॉन्ट्स टू सी हाउ गिवन विद इन अ गिवन कॉन्टेक्सट हाउ पीपल्स चॉइसिस आर अफेक्टेड स्कूल परफॉर्मेंसेज अफेक्टेड वाई और वाई नॉट पी टू पीपल आर सेंडिंग चिल्ड्रेन टू स्कूल सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन ये भी है कि इनके गिवन कल्चर में वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह का डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं सो वॉट आर द डिफरेंट टूल्स दे यूज दे यूज स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज दे ऑल्सो यूज अन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अब इन इंटरव्यूज में क्या फर्क होता है उनमें फर्क यह होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो आपने हर चीज बड़ी क्लियरली लिखी है कि पहला क्वेश्चन ये है आपने औ, और दूसरा ये और तीसरा ये आपने ये भी लिखा हुआ है कि ये किस अल्फाज में क्वेश्चन आप करोगे सेमी स्ट्रक्चर्ड में यह होता है कि आप कहते हो हाँ इन एरियाज के ऊपर मैं पूछ लूंगा पूछ लूंगा या पूछ लेंगे क्वेश्चंस पूछ लेंगे लेकिन आप क्वेश्चंस बहुत टाइटली वो नहीं करते हो और क्वेश्चन का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर इंटरव्यूज इन विच यू आस्क अ लॉट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर आप बड़े बेसिक सवाल करते हो फॉर इंस्टेंस लाइफ हिस्ट्रीज होती हैं वो लोगों से पूछोगे कि किस तरह से यहाँ पे रहने में क्या चीजें हैं और क्या फायदे हैं क्या नुकसान है किस तरह की एजुकेशन है इस तरह के अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का फायदा एक क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि इट अलाउज पार्टिसिपेंट टू स्पीक मच मोर रिसर्चर एजेंडा कम हो जाता है और पार्टिसिपेंट अपना जो कहना चाहता है वो खुल के कह सा, कह सकता है हाँ लेकिन इसके साथ काम करने में एक काफी एक डेटा इस बजी फजी से मराती है कि बहुत लेंथी डेटा आता है जिसको संभालना कई दफा मुश्किल होता है और कंपेयर करना भी कई दफा मुश्किल होता है आप इंटरव्यूज यूज करते हो ऑब्जर्वेशन करते हो अब ये जो करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च वाले वो क्वानिटेटिव रिसर्च वालों से काफी मुख्तलिफ होती है क्योंकि ये जब करने जाते हैं, तो ये सिर्फ एक जहन में एक आइडिया लेके जाते हैं कि अच्छा हमने ये चीजें देखनी है कि इंटरेक्शन जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसा है तो इनके हाथ में कोई पेपर नहीं होता जिसके ऊपर उन्होंने टिक करना होता इतनी दफा टीचर ने क्वेश्चन किया या इतनी दफा वो किया दे विल लुक एट क्वालिटी ऑफ थिंग्स रादर देन क्वांटिटी ऑफ थिंग्स दे फील्ड नोट्स जिसके हमने अभी बात की है दे वो लेते हैं साथ साथ फोटोग्राफ्स यूज होती हैं वीडियोज यूज होती हैं डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस होता है दीज आर ऑल पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बिकॉज इट अलाउज द क्वालिटेटिव रिसर्चर्स टू कनेक्ट विद द कॉन्टेक्स एंड यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट दे आर सो इंटरेस्टेड टू स्टडी